इंसान के लिए उसका समय बहुत कीमती और लिमिटेड होता है। ऐसे में लोग कम से कम समय में किसी काम को करने की सोचते हैं। खासकर बात जब एक्सरसाइज और वर्कआउट की आती है तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं। मसलन कम समय में कौन सा वर्कआउट करना चाहिए जिससे शरीर को पूरा फायदा मिले, यानी किस एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने तरह तरह की एक्सरसाइज में लगने वाली एनर्जी पर स्टडी की है और उन्होंने नतीजा भी निकाला है कि कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट कौन सा है। लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक्सरसाइज रिसर्चर डॉक्टर टिम चर्च कहते हैं, हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा मसल्स का इस्तेमाल करेंगे और जितने लंबे समय तक उन मसल्स पर जोर देंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी। रिसर्च में पाया गया कि इस एक्सरसाइज में प्रति मिनट 13 कैलोरीज बर्न होती हैं। ये वर्कआउट 20 मिनट तक किया जाता है, इसलिए औसतन कुल 260 कैलोरीज बर्न होती हैं। रिसर्च की माने तो इन वर्कआउट में से एक 4 मिनट के लिए ट्रेनिंग ब्लॉक्स में मैक्सिमम इंटेंसिटी बाउट्स और रेसी स्ट्रेस और एरोबिक ट्रेनिंग शामिल होता है, जिसमें 20 मिनट में 280 कैलोरीज बर्न होती हैं। ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय वर्कआउट है। क्रॉसफिट, जिसे सिंडी भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने इस पर भी स्टडी की है। इस एक्सरसाइज में व्यक्ति पुलअप, पुशअप और स्क्वाट्स के कई राउंड करता है, इसलिए कैलोरी बर्न करने के लिए मात्रा बढ़ाने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करने की जरूरत है जिसमें हाई इंटेंसिटी लेवल पर अपर बॉडी और लोअर बॉडी की मसल्स दोनों एक्टिव हों। प्रति मिनट कैलोरी बर्न का ये औसत पारंपरिक एक्सरसाइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 20 मिनट के वर्कआउट के दौरान कुछ लोगों ने 360 कैलोरीज यानी प्रति मिनट 18 से 20 कैलोरीज तक बर्न की। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।